गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर से एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनोमस कॉलेज से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया है तो अब कर दीजिए, साथ में शेयर लाइक करना मत भूलेगा एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद अ न्यू टॉपिक एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड विद द वेयर हाउस मैनेजमेंट। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द स्टोर मैनेजमेंट। जब हमने वेयर हाउस मैनेजमेंट को किया, जैसे वेयर हाउस को बोलते हैं बड़े गोदाम, और स्टोर मैनेजमेंट जो होता है, स्टोर होता है एक छोटा स्टोरिंग जहां पे हम हमारा सामान को रखते हैं, उसको गोदाम नहीं कहा जाता। स्टोर गोदाम का एक छोटा रूप होता है। तो ये दो चीज आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि स्टोर मैनेजमेंट में क्या होता होगा और वेयर हाउस मैनेजमेंट में क्या होता होगा। वेयर हाउस मैनेजमेंट जो होता है वो तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट होता है, जबकि स्टोर मैनेजमेंट जो होता है वो मटेरियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मटेरियल इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री हैज अदर देन मटेरियल आल्सो, राइट। तो मटेरियल को मैनेज करने के लिए जिस जगह पे चीजें रखी जाती हैं वो तो है स्टोर, और इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए वो जहां पे स्टोर की जाती हैं या रखी जाती है उसको बोलते हैं वेयर हाउस। तो वेयर हाउस मैनेजमेंट हमने लास्ट टॉपिक कर लिया है, आज हम पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। पढ़ने के बाद मटेरियल मैनेजमेंट को स्टोर जहां पे किया जाता है वो है स्टोर। तो स्टोर का मैनेजमेंट क्या होता है, तो देखो स्टोर मैंने आपको जैसे बता दिया कि जहां पे चीजें रखी जाती हैं, चाहे वो फिनिश फॉर्म में हो, चाहे रॉ मटेरियल फॉर्म में हो या सेमी फिनिश गुड्स में हो, उनको स्टोर रखा जाता है। क्यों स्टोर किया जाता है, ताकि कि एक तो उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, टाइमली उनकी सप्लाई की जा सके और उनका जो है सेफ्टी सिक्योरिटी एंश्योर किया जा सके। एक बात ध्यान रखो, जो स्टोर का जो मैनेजमेंट करता है वो व्यक्ति कहलाता है स्टोर कीपर, और वो जगह कहलाती है स्टोर, और उस फंक्शन को कहते हैं स्टोर कीपिंग। ये सारी चीजें नाउन एडजेक्टिव फंक्शन सब पता होना चाहिए, राइट। तो अब जरा बात करते हैं, एक बहुत बड़े एक्सपर्ट रहे थे इंजीनियरिंग में, वो है मैनॉर्ड। मैनॉर्ड ने ये कहा था कि क्या होता है स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट की उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, उस डेफिनेशन के की वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। डेफिनेशन उन्होंने दी थी, स्टोर मैनेजमेंट इज टू रिसीव मटीरियल्स टू प्रोटेक्ट दैम, उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है, टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम डैमेजेस एंड अनऑथोराइज्ड रिमूवल, टू इश्यू द मटीरियल इन राइट क्वांटिटी, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, एंड टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज प्रॉम्प्टली एंड एट लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट पे और प्रॉम्प्टली यानी तुरंत उनको सप्लाई करना, चाहे प्रोवाइड करना, उन्हें इश्यू करना राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पे और राइट प्लेस पर। आर्स ऑफ QTP लिख दिया मैंने, ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो कि हम अपने आंसर में अगर लिखते हैं तो आप एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हो उस एग्जामिनर के दिमाग में कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और तब वो उसको ध्यान से पढ़ता है और जब वो आगे ही उसका मतलब पा लेता है तो उसे लगता है यस दिस इज द स्मार्ट वे टू प्रेजेंट द आंसर। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपको वो ट्रिक्स पता होनी चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए जहां पे आप अपने आंसर को और ज्यादा बेहतरीन शो कर सको। तो एब्रीवेशन फॉर्म में लिखो, स्मार्ट वे में लिखो, ताकि सामने वाले को लगे कि आपको केवल आता ही नहीं है, जो आता है उसे दिखाना भी आता है, उसे बताना भी आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केटिंग का फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल यही चीज है। आप देखेंगे मेरे बोर्ड पे मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ दिखा भी दूँ और बहुत कुछ छिपा भी लूँ, बस यही चीज है, ताकि कि मैं जब बोलूँ तो आपको मेरे सुनने में भी मजा आए और देखने से वो चीजें कनेक्ट भी हो जाए। यही एक तरीका होता है, आप सामने वाले के दिमाग पर अपना इम्प्रेशन छोड़ पाते हैं। मैं मेरे वीडियोस और मेरी प्रेजेंटेशन के जरिए मैं इन सारी चीजों की स्किल्स भी आपको ट्रांसफॉर्म करती हूँ, राइट। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो चाहे रिसीविंग कह लो, चाहे प्रोटेक्ट कर लो, चाहे इश्यू कह लो, चाहे प्रोवाइड कर लो, ये चारों चीजें मैनॉर्ड ने इसे हाईलाइट किया है कि स्टोर मैनेजमेंट में रिसीविंग भी है, प्रोटेक्शन भी है, इश्यूइंग भी है और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज भी है, राइट। तो ये तो हो गई एक डेफिनेशन की बात। अब जरा बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एक स्टोर मैनेजमेंट में। तो इस ये कहना चाहिए जो इंटरनल जो कस्टमर अपना सप्लायर्स होते हैं उनकी अगर उस चेन की बात करें, इन चेन ऑफ इंटरनल कस्टमर्स एंड सप्लायर्स की अगर बात करेंगे, तो स्टोर हैज सेवरल इंटरनल कस्टमर्स।
स्टोर में बहुत सारे इंटरनल कस्टमर्स होते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने कस्टमर के आगे एक वर्ड लिख दिया है इंटरनल, और इंटरनल का मतलब है नॉट एक्सटर्नल। किसी भी प्लांट के अंदर स्टोर से संबंधित जो चीजें रखी गई हैं, वो जिस भी डिपार्टमेंट को जब जब जरूरत पड़ती है वो डिपार्टमेंट वहां से इशू करवाता है, राइट। तो यहाँ पे जो इशू करवाने वाला व्यक्ति है, जिसको नीड है, वो कस्टमर तो है लेकिन वो एक्सटर्नल कस्टमर नहीं है। ऑल द कस्टमर्स आर रिलेवेंट विद द इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इनको कहा गया है इंटरनल कस्टमर। तो यहाँ कहता है कि स्टोर है सेवरल इंटरनल कस्टमर्स, और इसीलिए स्टोर जो बहुत सारे इंटरनल कस्टमर्स रखता है, उन सभी लोगों की नीड्स को टाइमली और प्रॉम्प्टली पूरा करने का काम स्टोर में किया जाता है, यही इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये कहना चाहिए मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इंटरनल कस्टमर के स्टोर से रिलेटेड होते हैं, और कस्टमर जनरली ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें जो चीज़ जब चाहिए, जिस क्वांटिटी और जिस क्वालिटी में चाहिए, वो चीज़ अवेलेबल हो जाए। तो इस चीज़ की इंश्योरिटी करना ही उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है स्टोर का। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कहना चाहिए कि प्रोडक्शन की मिनिमम कॉस्ट पर चीज़ों को, मटीरियल्स को अवेलेबल करवाना इसका ऑब्जेक्टिव है। वैल्यू ऑफ मटेरियल को मेंटेन करना इसका ऑब्जेक्टिव है। यूजर डिपार्टमेंट को अपनी सेवाएं देना ऑब्जेक्टिव है, और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, एस्टैब्लिश करना इसका ऑब्जेक्टिव है। साथ में मटेरियल मैनेजर को एडवाइस करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है, यानी जो मटेरियल मैनेजर है, जो मटेरियल के ऊपर सुपरवाइज कर रहा है, उसको भी एडवाइस करने का काम एक स्टोर कीपर करता है। वो ये बता सकता है कि सर ये चीज़ ख़राब हो रही है, या ये चीज़ कम हो गई है, या ये चीज़ की मेंटेनेंस और एक्स्ट्रा केयर मांगती है, जो भी चीज़ें हैं। तो वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको वो एडवाइस भी कर सकता है। तो ये तो हो गई इसके ऑब्जेक्टिव की बात। अब बात करते हैं फंक्शंस कौन कौन से होते हैं एक स्टोर कीपर के, या स्टोर मैनेजमेंट में क्या क्या काम किए जाते हैं। बहुत सारे काम है, रिसिप्ट यानी रिसीव, जब आप चीज़ों को रिसीव करते हो सप्लायर्स के जरिए, आप अपने स्टोर में चीज़ को गोदाम में डाल रहे हो, तो उसकी रिसिप्ट डालना, उसकी रिसिप्ट लेना, कितनी सामान को किस रेट पर, किस क्वालिटी का और किस डेट पर लिया गया है, कौन सप्लायर है, कितना पैसा उसका दे दिया है, कितना पेमेंट बाकी है, किस तरह की टर्म्स कंडीशन है, उन सारी चीज़ों की रसीदों को रखना। उसके बाद स्टोरेज, जो सामान आया उसका सामान को रखना। रिट्राइविंग, देखो रिट्राइविंग क्या होता है, आपने सामान तो रख लिया है, यू हैव अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ मटीरियल, लेकिन जिस समय ज़रूरत होती है आपको वो सामान मिल नहीं रहा है, तो रिट्राइविंग का मतलब होता है प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रॉपर स्टोरिंग। यानी हमें पता होना चाहिए किस सामान को हमने कहाँ रखा है, और जब ज़रूरत पड़े तो वो रखा गया सामान हमारा कहाँ है, वहाँ से हमें रिट्राइव करना है। रिट्राइव का मतलब होता है फिर से प्राप्त करना। तो रिट्राइविंग एक बहुत बड़ा फंक्शन है। बहुत बार आप देखेंगे आपके पास कई बार चीज़ें तो होती हैं, लेकिन वो चीज़ कहाँ रखी हुई है ये ध्यान ही नहीं होता है। जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है तब हमें लगता है इससे तो वो चीज़ ना होती ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि हमें पता होता हमारे पास वो चीज़ नहीं है। अब चीज़ है भी लेकिन हमें टाइम पे मिल नहीं रही है, तो एक फ्रस्ट्रेशन और एक इरिटेशन होता है। यही बहुत बड़ी बात है। तो एक फंक्शन है स्टोर मैनेजमेंट में रिट्राइवल। तो ये रिट्राइवल ये कहता है कि इंश्योर करना जो चीज आपने रखी है वो किस प्रॉपर वे में रखी है और किस तरीके से रखी है कि आपको टाइमली वो चीज रिट्राइव हो सके। नेक्स्ट इशू करना, जब आपको पता है कि कोई चीज की डिमांड आई है तो आपकी चीज कहाँ रखी है, उसके बाद उस चीज को इशू किया जाता है। इशू करने का रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है। जब हमने रिसिप्ट का रिकॉर्ड मेंटेनेंस रख रहे हैं तो हमें इशू करने का भी रिकॉर्ड मेंटेनेंस रखना होगा, यानी कितनी चीज हमारे पास इन दो महीनों में आई और कितनी चीज हमने इन दो महीनों में आगे हमारे इंटरनल कस्टमर्स को सप्लाई की, इस चीज का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि हमें ये पता हो कि हमारे मटीरियल का लेवल क्या है, हमें कब चीजें मंगानी है और कब चीजें हमारी खत्म हो रही है। तो इशू हो गया, ये रिकॉर्ड्स में भी आ गया, जो भी आप इशू करेंगे रिसीव करेंगे उन सबका रिकॉर्ड मेंटेनेंस रखना, और रिकॉर्ड को ना केवल बल्कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बल्कि प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर गलत तरीके से आपने रिकॉर्ड कर दिया तो वो रिकॉर्डिंग बहुत गलत इंप्रेशन देती है।
हाउसकीपिंग का मतलब है वहां की चीजों की रख रखाव, साफ सफाई, मेंटेनेंस वगैरह, वो भी उसका एक फंक्शन है। कंट्रोल करना, चीजों को देखना कि क्या चीजें कब कहां कैसे खराब हो रही हैं, कि किन चीजों की प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत है, कौन सी चीजों को कितनी मात्रा में इशू किया जा रहा है, कहीं अननेसेसरी वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों पर भी ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, दैट इज द कंट्रोल। अब आता है वेरिफिकेशन, ये चीज देखना कि जो चीज गई थी वो उस तक पहुंची या नहीं, वेरीफाई करना। वेरिफिकेशन का मतलब होता है आप टैली कर लें कि जो चीज आपके यहाँ से गई वो वहां तक उतनी ही पहुंची या नहीं पहुंची। तो एक वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकती है या एक सिंपल एक छोटी सी मीटिंग भी हो सकती है। अगर कहीं कोई गुंजाइश है, कोई गड़बड़ हो रही है, तो उसको टाइमली रिमूव भी किया जाना चाहिए और करेक्ट भी किया जाना चाहिए। लास्ट कहता है फंक्शन कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियस है, विदाउट हैविंग द कोऑर्डिनेशन यू कैन नॉट डू द बेस्ट वर्क। तो एक स्टोर कीपर को कोऑर्डिनेशन रखना होता है क्योंकि उसके हर एक डिपार्टमेंट के साथ में संपर्क होते हैं। तो किसी एक को फेवर करना और किसी एक को पार्शियलिटी करना, इट्स नॉट गुड। तो उसे कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है कि हर एक डिपार्टमेंट के साथ उसकी जरूरतों को वो टाइमली पूरा कर सके। दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टोर मैनेजर, राइट। अब बात करते हैं कितने तरह के स्टोरिंग होती है, मतलब स्टोर जो मैनेजर होता है वो कितने तरह के स्टोर्स रखता है। तो बहुत तरह के स्टोर्स होते हैं। जनरली अगर हमें मेन क्लासिफिकेशन करें तो हम दो कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड स्टोर और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। सेंट्रलाइज्ड स्टोर का मतलब होता है जैसे एक स्टोर बना दिया गया है और वहां से हर एक डिपार्टमेंट को चीजें इशू की जाती हैं। तो जो सेंट्रलाइज्ड स्टोर होता है उसमें सभी आइटम्स जो होते हैं सेंट्रल प्लेस पे होते हैं और कंट्रोल मटेरियल मूवमेंट यहीं से होता है, राइट। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड में होता है हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्टोर बना दिया जाता है और हर डिपार्टमेंट को जिस तरीके की चीजों की जरूरत होती है उसकी स्टोरिंग उनको दे दी जाती है, उसमें वो लोग डायरेक्टली उससे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज स्टोर। इन दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। देखो जैसे पावर की बात करते हैं, सेंट्रलाइज पावर का अपना नुकसान है तो अपना फायदा भी है, ऐसे डिसेंट्रलाइज के अपने फायदे भी हैं तो अपने नुकसान भी है। समझो तो हर एक चीज में नुकसान है, समझो तो हर एक चीज में फायदा है। ये पर्सन टू पर्सन और नीड टू नीड वैरी करता है कि हमें किस चीज में फायदा नजर होता है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड होती है कि किस तरह का मटेरियल है और किस तरीके की उसकी नीड है, तो हमें सेंट्रलाइज स्टोरिंग रखना है या डिसेंट्रलाइज स्टोर रखना है। दोनों ही तरह के स्टोरिंग सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है, बस अंतर होता है कि मटेरियल की नेचर या उसकी प्राइसिंग और उसकी नीड पे डिपेंड करेगा हम उन चीजों का सेंट्रलाइज स्टोरिंग करेंगे या डिसेंट्रलाइज स्टोरिंग करेंगे। इसके अलावा, इन दो के अलावा अगर बात करेंगे तो बहुत और भी तरीके के स्टोर होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसे अलग अलग लेवल पे बात करेंगे तो अगर हम मटेरियल स्टोर के नेचर की बात करेंगे तो जैसे एलपीजी स्टोर, केमिकल स्टोर, हजार्डियस मटेरियल स्टोर, रेफ्रिजरेटर मटेरियल स्टोर, इस तरीके का हो सकता है। यदि मैं मटेरियल के टाइप्स की बात करूंगी तो रॉ मटेरियल स्टोर, कंपोनेंट स्टोर, वर्क इन प्रोसेस स्टोर, फिनिश गुड्स स्टोर, सेमी फिनिश गुड्स, टूल स्टोर, कंज्यूमरेबल मटेरियल गुड्स स्टोर, बहुत इसके अलावा अगर बात करेंगे स्टोरेज के फंक्शन की बात करेंगे तो रिसीविंग स्टोर, सेंट्रल स्टोर, जनरल स्टोर, सब स्टोर, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजों की तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्टोरिंग के टाइप्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। पर आपको मैं एक सजेशन दूंगी कि आप 5-6 तरह के स्टोर का नाम जरूर याद कर लें, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, टूल्स स्टोर, रॉ मटेरियल स्टोर, सेमी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, इस तरीके की स्टोरिंग किया, या हजार्डियस केमिकल स्टोर्स, जैसे एलपीजी हमने उसके नेचर के बारे में बात करते हुए उनके स्टोरिंग की बात करी है। तो ये इस तरीके से अगर आप लिख के आते हो और अगर एक टेबल बना के आते हो तो बहुत अच्छी आंसर पे वेटेज मिलते हैं, राइट। तो इस तरीके से आज मैं आपको स्टोर मैनेजमेंट में एक ओवरव्यू दे दी हूँ। अब स्टोर मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, उसका लेआउट क्या होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। Thank you for keep watching my video regularly. Thank you.